वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में तो शेयर करने वाली हूँ कुछ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप पर्पल की आई हार्ट ब्यूटी सेल में इन प्रोडक्ट्स को जरूर लाइक बाय करें एंड ट्राई करें। सो ये सब मेरे कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनका मैं आपको छोटा सा रिव्यू देने वाली हूँ और लिंक्स आपको इन प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सब आपको पर्पल पे मिलेंगे क्योंकि पर्पल पे अभी लाइक ये बेस्ट टाइम है शॉप करने का। अभी आई हार्ट ब्यूटी सेल चल रही है, 7 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगी ये सेल। अप टू 50% ऑफ आपको मिल जाएंगे काफ़ी प्रोडक्ट्स पे। सो काफ़ी अच्छा टाइम है इन प्रोडक्ट्स को ग्रैब करने का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरे लिप शेड से, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये है NYB का एक्स शक्ति वाला लिपस्टिक एंड इसका शेड नेम जो है ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी जो भी नया शेड नेम है। एंड दिस इज ब्यूटिफुल मैट लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। लाइक बिल्कुल न्यूड सा मेकअप कर रहे हैं, लाइट सा मेकअप कर रहे हैं, तो ये इस टाइप की लिपस्टिक काफ़ी अच्छी लगती है एंड बहुत अच्छा शेड है। एंड दिस लिपस्टिक इज ट्रांसफर प्रूफ मैट लिपस्टिक, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है। सो या फर्स्ट लिपस्टिक थी ये। सेकेंड एक और जो मुझे NYB की काफ़ी पसंद है वो है ये लिपस्टिक एंड इसका शेड नेम 12 पैशनेट पेमेला करके है। तो जो नेम एंड लिंक शेड नेम है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। काफ़ी अच्छा न्यूड पिंक अंडरटोन में, ये थोड़ा सा ब्राउन अंडर में, ये वाला जो है ना ये पिंक अंडरटोन में है। लेट मी शो यू, काफ़ी ब्यूटीफुल पिंक अंडरटोन की ये लिपस्टिक है। दिस इज ऑल्सो अ मैट लिपस्टिक, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। लाइक 100 रुपीज़ के आसपास आपको ये लिपस्टिक मिल जाएगी। सो सेकेंड वन इज दिस। थर्ड लिपस्टिक की पहले मैं लिपस्टिक सबको दिखा रही हूँ। थर्ड लिपस्टिक जो कि मेरे को बहुत पसंद है वो है पर्पल की ये लिप क्रेयॉन मैट लिपस्टिक, लिप क्रेयॉन है ये। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल, डार्क पर्पल शेड है जो कि अगेन मैट क्रेयॉन लिपस्टिक है। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल डार्क कलर है। पर्पल मैरूनिश में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं देन आप ये ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल शेड है ये। इसके बाद फोर्थ जो है वो है ये द फेस शॉप का वाटर फिट टिंट करके है ये। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल रेड टिंट कलर है, यू कैन सी। एंड ये जो है ना ये विंटर्स में समर में बहुत लाइट है, जैसे आप मेकअप कर रहे हैं तो आप ये शेड अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में थोड़ा ऑरेंज लग रहा है बट ये बहुत ही प्यारा सा रेड पिंक सा टोन देता है आपके लिप्स को कुछ इस तरीके से। एंड आप इससे अपने फेस पे, लिप्स पे लाइक एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी ब्यूटीफुल सा टेंट देता है ये। तो ये हो गए हमारे कुछ लिप शेड्स जो कि मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी आई हार्ट ब्यूटी सेल में आप ट्राई आउट करें। उसके बाद बात आती है हेयर मास्क की। तो ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट हेयर मास्क जो कि एप्पल गुड वाइब्स का एप्पल साइडर विनेगर स्मूदिंग हेयर मास्क। एंड यू कैन सी एप्पल साइडर विनेगर वाला है जो ये जब भी मैं अप्लाई करती हूँ हेयर टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ सिल्की स्ट्रेट हो जाते हैं एंड काफ़ी अच्छा केराटीन वाला इफेक्ट देता है इसमें आपको। लाइक शैम्पू करने के बाद कंडीशनर नहीं लगाना है एंड आप इस हेयर मास्क को लगा के और 5 से 10 मिनट मैक्सिमम छोड़े एंड दैट्स इट। तो ये काफ़ी अच्छा टेक्सचर के साथ है। दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल। खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, धूप आ रही है जा रही है। सो हेयर मास्क के बाद बात आती है बॉडी पे। तो आप इसका जो बनाना वाला है वो भी ट्राई कर सकते हैं, ऑनियन वाला है वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं तीनों वेरियंट्स का लिंक दे दूँगी आपको, जो भी आपको बेटर लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है बॉडी बटर की। तो ये अभी मेरा करंट फेवरेट इस विंटर सीजन में था जो कि है गुड वाइब्स का सॉफ्टनिंग बॉडी बटर एंड ये चेरी ब्लॉसम के साथ आता है। बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका, एकदम पिंक कलर का है यू कैन सी। एंड ये इतना क्रीमी टेक्सचर के साथ आता है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देता है आपकी स्किन को। सो आप इसको अपने बॉडी पे लाइक ये बॉडी बटर की तरह यूज़ कर सकते हैं आप इसको। एंड फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत अच्छी है और प्राइस की अगर बात करें तो ये आपको 399 MRP है बट ये डेफिनेटली अभी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा होगा। एंड ये भी 299 का है बट ये भी आपको अभी अच्छा डिस्काउंट में मिल जाएगा। उसके बाद ये एक मेरा टोनर है जो कि ख़त्म होने वाला है तो मैं ये ज़रूर मंगवाऊँगी जो कि है गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर। इसकी हालत देख लीजिए,
अच्छा खासा यूज़ कर लिया है एंड मुझे ये बहुत पसंद है. लाइक बिना मेकअप के ऊपर, मेकअप के ऊपर भी, मेकअप से पहले भी, लाइक मुझे ये यूज़ करना बहुत पसंद है. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. लेट मी शो यू, इसका जो स्प्रे है बहुत अच्छा है. बहुत इवनली ये स्प्रेड होता है आपके फेस पर, बहुत अच्छा ग्लो देता है. तो मुझे ये टोनर काफ़ी पसंद है, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी. देन आता है ये, ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया है, देख सकते हैं यहाँ से. ये है मेबलिन का सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन, 24 आवर रहता है ये. एंड दिस इज़ लाइक सीरियसली बहुत अच्छा कवरेज है, मीडियम से ज़्यादा है. मैं पूरा फुल कवरेज नहीं कहूँगी, बट ये फाउंडेशन मैक हुडा ब्यूटी के बराबर का है और मेरा तो फेवरेट है ये. तो मुझे ये बहुत पसंद है. आपने इसको ज़रूर मेरे को बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा क्योंकि मैं यही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करती हूँ. देन हाइलाइटर की अगर बात करें तो ये है पर्पल का हाइलाइटर जो कि टू साइडेड, आप देख सकते हैं दो साइड आपको हाइलाइटर मिल जाता है इसमें. एंड ये देखिए, ये है कॉपर सा शेड, गोल्डन कॉपर सा. एंड ये है रोज़ गोल्ड शेड, रोज़ गोल्ड एंड कॉपर आपको दिख रहा होगा लाइट में कितना अच्छा शाइन कर रहा है. तो दो शेड्स आपको मिल रहे हैं एंड इन लाइक एक के प्राइस में. अगर बाहर लेते हैं तो आपको एक हाइलाइटर फुल पैन उतने का मिलता है. तो ये काफ़ी अच्छा है, आपको दो शेड्स मिल रहे हैं, काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है, ब्लेंडेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी. एंड आप शीन देख सकते हैं इसकी, कितना ब्यूटीफुल ग्लो है, कितना ब्यूटीफुल शाइन है इस हाइलाइटर का. उसके बाद नेल पेंट्स पे आते हैं, देन और मेकअप पे आते हैं. ये है मेरे कुछ टॉप 3 फेवरेट नेल पेंट्स जो कि मैं ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ. सबसे फर्स्ट तो ये एस्पा हलाल का नेल पेंट, ये लाइलैक ब्लॉसम शेड, बहुत ब्यूटीफुल लाइलैक कलर, पर्पल, लाइट पर्पल कलर है, पेस्टल कलर है, जैसे पीछे बैलून का कलर है ना पर्पल सा, वैसे ही. तो बहुत अच्छा लगता है ये. उसके बाद ये स्टेक वर्की का न्यूड ब्राउन कलर है जो कि अगेन बहुत अच्छा लगता है नेल्स पे. एंड ये सब 100 रुपीज़ के बिलो हैं, ये 100 से अबव आएगा. बट लेट मी टेल यू, इसको शायद 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इसे मेरे पास एंड ये अभी तक ड्राई नहीं हुई है. इसकी खास बात ये है, बहुत ब्यूटीफुल ब्लू शेड है इसका. लेट मी शो यू, तो आप देख सकते हैं 2 साल हो गया है, स्टिल इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फर्स्ट डे जिस दिन आया था उस दिन जैसी ही है. तो आप एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो ना 200 रुपीज़ अगर इस नेल पेंट में, तो मेरे को लगता है 3-4 साल तक ये आराम से चलेगी, ड्राई नहीं होगी. एंड इनका भी वही है, इसको भी मुझे आई गेस देख के 1 साल से ज़्यादा हो गया है. तो काफ़ी अच्छा इनका लाइक शेड भी बहुत प्यारा है, बहुत टाइम तक चलेंगे. तो ये सब तीनों शेड्स बहुत प्यारे हैं, लाइट ब्लू, लाइलैक कलर, न्यू कलर. उसके बाद बात आती है बनाना पाउडर जो कि ये मुझे काफ़ी पसंद है. एंड दिस इज़ पर्पल का गोइंग बनाना बेक एंड सेट पाउडर. ये बनाना पाउडर है जिसको मैं नॉर्मल पाउडर की तरह भी यूज़ करती हूँ और मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगती, काफ़ी अच्छा लगता है अप्लाई करने में. यहाँ पे मिरर मिल जाता है एंड ये आप देख सकते हैं अच्छा कवरेज होता है इसका, बहुत अच्छे से मैटिफाई कर देता है एंड फुल कवरेज. जैसे कि ना आपको बहुत लाइट कवरेज चाहिए तो आप विदाउट फाउंडेशन भी इसको अपने स्किन पे अप्लाई कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा सा कवरेज देता है ये. देन बात आती है इसकी जो कि है स्टेक वर्की का फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल. ये मैं फर्स्ट टाइम एक प्राइमर ऑयल यूज़ किया मैंने एंड इसको मैंने 3-4 बार यूज़ किया है. काफ़ी अच्छा प्राइमर ऑयल है, बहुत अच्छे से स्किन को एकदम सूद एंड आउट कर देता है, इवन कर देता है. एंड लाइक जब आप इसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हो ना, इतना अच्छे से आपका फाउंडेशन ग्लाइड हो जाता है एंड मिक्सअप हो जाता है आपकी स्किन में, बिल्कुल ऐसा लगता है खुद की स्किन है वो फाउंडेशन लगाने के बाद भी. तो ये इतने अच्छे से आपके स्किन में लाइक ग्लाइड हो जाता है और बहुत अच्छा बेस बना देता है. आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इस प्राइमर ऑयल को जो कि है स्टेक वर्की का आई शेडो पैलेट पे. दिस इज स्टेक वर्की सेक्सी आईज 9 पैन आई शेडो पैलेट. एंड ये जो आई शेडो पैलेट है दिस इज लास्ट प्रोडक्ट इस हॉल का. ज़्यादा बड़ा मैंने हॉल नहीं बनाया है, ये कुछ मेरे सजेशन हैं जो कि मैंने दिए एंड ये भी उनमें से एक है.
ये है 9 पेन आई शेडो पैलेट, इसमें आपको ये 9 आई शेडोज मिल जाएंगे जिसमें कि सिल्वर, कॉपर, गोल्डन, डार्क गोल्डन, ब्राउन, रोज गोल्ड, पिंक गोल्ड, पिंकिश गोल्ड में ये मैट रेड, मैट पिंक, रस्टी सा कलर है ये। तो इसमें इतने सारे शेड्स में आपको मिल रहे हैं, 9 शेड्स एंड विद बहुत अच्छी पिगमेंटेशन। ये आपको काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में आई शेडो मिल जाएगा। अभी सेल में चेक करेंगे तो और अच्छा मिलेगा। देखिए कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी। मैट वाले भी अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखते हैं, वाओ बॉम्ब बॉम्ब पिगमेंटेशन है इसकी। ये दूसरा शेड है, ये दूसरा शेड है, ये रस्टी वाला एंड रेड वाला। और ये शिमर पिंक की देखें तो वाओ पिगमेंटेशन बहुत प्यारी है इनकी। आई लव दिस आई शेडो पैलेट। जो शेड है ये, इसमें आपको 2 शेड्स मिलते हैं आई शेडो के। तो इस वाले शेड का जो नेम है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। ये कुछ चुनी हुई चीज़ें थी जो कि मुझे बहुत पसंद हैं, तो ज़रूर चेक करें। एंड आई होप आपको ये IIBD सेल का हॉल पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है देन हिट दी लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन। थैंक यू, बाय।